कृष्णा क्रोशेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का एक नया डिज़ाइन। ये देखिए, मैंने 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की चोली तैयार कर ली है। देखिए, 1, 2, 3 रो बनाने के बाद मैंने इस पे येलो कलर से सिंगल क्रोशिया, ये देखिए, करते हुए एक रो बनाई है। उसके बाद 1, 2, 3 और बनाई है, 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में ये हमने एक येलो कलर की रो बनाई है। देखिए फ्रेंड्स, चोली के एंड में मेरे पास 28 डबल क्रोशिया है। अब हम यहाँ पर जो थर्ड चेन में हमने ज्वाइन किया है राउंड को, अब इसमें फर्स्ट डबल क्रोशिया में हम स्लिप स्टिच बना के आगे आ जाएंगे इस तरह। अब हम फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर आ गए। अब हमने 1, 2, 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद 1 डबल क्रोशिया छोड़ के नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन बनाएंगे, 1 छोड़ेंगे नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, सॉरी स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से ये लूप तैयार करेंगे। 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया छोड़ के नेक्स्ट में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से ये पूरे राउंड में हम ये लूप तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड कंप्लीट कर लिया हमने। पीछे से भी ये देखिए, इसमें 28 डबल क्रोशिया थे, 1 स्किप करके हम नेक्स्ट में बना रहे थे, तो इसमें टोटल 14 लूप बने हैं। तो अभी हम इसको धागे को नॉट लगा के कट कर देंगे। अब हम डिज़ाइन और कलर चेंज करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पीछे से किसी भी लूप में हम इसको धागे को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम 8 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 चेन ले ली हमने। अब 1, 2, 3, 3 चेन और लेंगे। 3 चेन लेने के बाद ये देखिए, ये जो 3 चेन छोड़ के 4th चेन में हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे। ये जो 3 चेन ली हमने, ये हमारा 1st डबल क्रोशिया, ये 2रा हो गया। अब हम इस चेन के नीचे से ऐसे इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इसको यहाँ से पकड़ लेंगे नीचे से, डबल क्रोशिया करते जाएंगे। हमने चेन के नीचे से डबल क्रोशिया करना है फ्रेंड्स। 3 की हमारी चेन हो गई। उसके अलावा हम 11 डबल क्रोशिया और करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 8, 9, 10, 11 और ये 12 फ्रेंड्स। 3 की चेन और 11 डबल क्रोशिया हमने इसमें किए, तो टोटल 12 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए, जिस चेन लूप में हमने बनाया था उससे नेक्स्ट लूप में हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद अब हम चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चेन ले लेंगे। अब इसको टर्न करेंगे उल्टा कर, उल्टी साइड से। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6th वाले में हमने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना। अब फिर से इसको टर्न करेंगे, सीधी साइड से बनाएंगे, 1, 2, 3, 3 चेन ली, ये हमारा 1st डबल क्रोशिया हो गया। अब उसके अलावा ये 2, 3, 4, 5, 6,
सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। फ्रेंड्स, तीन की चेन और उसके अलावा इस लूप के अंदर हमने 11 डबल क्रोशिया किए, तो टोटल 12 डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट लूप में इसको ज्वाइन कर देंगे। स्लिप स्टिच बनाना है हमने। फिर से 6 चेन लेनी है और यहाँ पर बैक साइड से 1 2 3 4 5 6 सिक्स चेन में इसको ज्वाइन कर देना है। और फिर सीधी साइड से 1 2 3 चेन लेनी है और इस लूप के अंदर 11 डबल क्रोशिया करने हैं। चेन को मिला के टोटल 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने पूरे राउंड को, येलो कलर के राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हम गिन के इसके अंदर 11 डबल क्रोशिया करेंगे, टोटल 12 हो जाएंगे चेन को मिला के। तो फ्रेंड्स, इसमें लूप में स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे पूरा करके। तो ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ये फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब हम लास्ट पेटल बनाएंगे। देखिए, तीन चेन ले ली और इस लूप के अंदर 1 2 3 4 5 छः, छः डबल क्रोशिया कर लिए। अब यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे फर्स्ट पेटल को। यहाँ से फ्रंट, आगे से ही फ्रंट साइड से इसको यहाँ से निकाल लेंगे धागे को और इसके अंदर ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए, इसको ऐसे मोड़ कर वहीं पर उसी लूप में फिर से कंटिन्यू करेंगे। छः बनाई थी हमने, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और ये 12। टोटल 12 पूरी कर लिए डबल क्रोशिया हमने। ये देखिए, ये पत्ती जुड़ गई। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करेंगे, नॉट लगाकर धागा कट कर देंगे। इस धागे को हम पीछे ले जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्लावर बन गया। देखिए फ्रेंड्स, अब हम कलर चेंज करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर पीछे की साइड से किसी भी, यहाँ पर जहाँ पर पत्तियाँ ज्वाइन की हुई हैं, यहाँ से हम धागा अटैच करेंगे। नॉट लगा लिया हमने। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। टोटल 7 चेन लेंगे और उसी जगह पर फिर से ज्वाइन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 7 चेन का हमने एक लूप तैयार किया है। अब देखिए, 2 चेन लेंगे, 1 2, ये जो पत्ती के पीछे की साइड से हम धागा उठाएंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और यहाँ पर ज्वाइन हो रही है जहाँ पत्ती, उसके अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 चेन लेकर उसी जगह पर दोबारा से हमने ज्वाइन कर देना है। ये देखिए, लूप तैयार हो गया। 1 2, 2 चेन लेकर इस पत्ती के पीछे से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। 2 चेन लेंगे
और नेक्स्ट लूप के अंदर ये देखिए इसको ज्वाइन करेंगे, सात चेन लेंगे, चार पाँच छः सात, और फिर से वहीं पर दोबारा से इसको ज्वाइन करेंगे, दो चेन लेंगे इस पत्ती के पीछे से लूप उठाकर इसको ज्वाइन करेंगे, फिर से दो चेन लेंगे और पत्ती को जहाँ पे हमने ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पर इसको बनाकर ज्वाइन करके सात चेन लेके इस तरह से जो लूप बनाया हमने यहाँ पर लूप बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर से वहीं पर ज्वाइन करेंगे, दो चेन ली, पत्ती के पीछे से लूप उठाकर इसको ज्वाइन करेंगे, दो चेन लेंगे और जहाँ पर दोनों पत्तियाँ आपस में जुड़ रही हैं उसके अंदर अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये पीछे से आएगा, देखिए ये लूप तैयार किया हमने। देखिए फ्रेंड्स बस आप ये ध्यान रखिएगा कि ये राउंड में खिंचाव ना आए, बिल्कुल स्ट्रेट आए। यहाँ पर दो चेन जहाँ पे लिए हमने, अगर आपको तीन चेन की रिक्वायरमेंट है तो आप तीन डालिए और इस तरह से बीच में सात सात चेन का लूप बनाते जाइए और पूरे सर्कल में यहाँ तक बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया, देखिए ये पीछे से इस तरह से बनाया, इस तरह से खिंचाव नहीं आ रहा ना, देखिए इसी तरह से बनाना है कि खिंचाव ना आए। यहाँ पर अब हमने पीछे से दो चेन ले ली और जहाँ पर ये शुरू किया था इसमें ज्वाइन कर देंगे, देखिए फ्रेंड्स अब हम इस लूप के अंदर ये जो सात चेन का एक लूप बनाया था इसके अंदर अब हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात डबल क्रोशिया कर लिया हमने। अब देखिए एक दो तीन, तीन चेन ले लेंगे, सात डबल क्रोशिया तीन चेन। अब बाकी की चेन के ये जो लूप है इसके अंदर सात डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये पेटल तैयार करेंगे, अब यहाँ पर पीछे ज्वाइन किया था वहीं पर फिर से ज्वाइन कर देंगे इसको स्लिप स्टिच बना के। देखिए इस तरह से दोनों पत्तियों के सेंटर में एक ग्रीन कलर की पत्ती बनाई हमने, अब यहीं पर बिना कोई चेन लिए जहाँ पर ये पीछे से हमने ज्वाइन किया है पत्ती के पीछे से यहाँ पर इस लूप के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, तीन चेन लेंगे फिर से सात बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक दो तीन
चार, पांच, छः, सात। सात डबल क्रोशिया करने के बाद इस येलो पत्ती के पीछे से जहाँ पे हमने ज्वाइन किया हुआ है वहीं पर अब स्लिप स्टिच से दोबारा ज्वाइन करेंगे, और ये जो नेक्स्ट लूप है उसके अंदर फिर से सात डबल क्रोशिया करेंगे। तो फ्रेंड्स ये राउंड हम इसी तरह से पूरा करेंगे। देखिए सात डबल क्रोशिया, तीन चेन, सात डबल क्रोशिया, फिर पीछे जहाँ पर ये देखिए ये ज्वाइन हुआ है ना यहीं पर ही हमने यहाँ पे भी पेटल को ज्वाइन किया है। देखिए यहाँ से यहाँ लाए, ज्वाइन किया, फिर यहाँ से वापस लूप में डबल क्रोशिया शुरू कर दिए। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रीन कलर की पत्तियों का राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसको यहाँ से पीछे से ज्वाइन करके नॉट लगा देंगे और धागा कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम कलर चेंज करेंगे। ये जो पत्तियाँ बनाई हैं यहाँ पर किसी भी पत्ती में देखिए धागा ज्वाइन करेंगे। धागा ज्वाइन करने के बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः चेन लेंगे। देखिए इस पत्ती से इस पत्ती तक हमने ज्वाइन करना है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करने में पाँच, छः, सात जितनी भी चेन यूज़ होंगी आप उसको अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे। देखिए बस खिंचाव नहीं आना चाहिए। देखिए ये हमने छः चेन ली है, एक चेन और लेते हैं, सात, तो टोटल सात चेन ले लेते हैं। देखिए इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, सात चेन लेंगे, नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे। फिर से सात चेन लेंगे, तीन, चार, पाँच, छः, सात, नेक्स्ट में ज्वाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से सात सात चेन लेकर हम इन पत्तियों के ऊपर इनको ज्वाइन करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, वाइट कलर की चेन का हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए ये जो लास्ट पेटल है, ये जो फर्स्ट पेटल है जहाँ से शुरू किया था चेन बनाना वहीं पर इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हम तीन चेन लेंगे, एक, दो, तीन, तीन चेन ले ली, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। एक चेन और लेंगे, ये जो फोर्थ चेन ली हमने ये हमारी सेंटर की चेन होगी। देखिए अब इस चेन के अंदर डबल क्रोशिया करेंगे, इसको साथ मिला देंगे, एक चेन लेंगे, फिर से वहीं पर डबल क्रोशिया करेंगे, चेन लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से ये बनाते जाएंगे हम, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स ये जो चेन बनाई है हमने इसके बाद अंदर हमने पांचवा डबल क्रोशिया किया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच डबल क्रोशिया किया। अब एक चेन लेकर यहाँ पे जैसे यहाँ पे लूप के ऊपर डबल क्रोशिया किया था, ये जो पत्ती के ऊपर ज्वाइनिंग है जहाँ पर वहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर पांच डबल क्रोशिया करेंगे, सेंटर में एक एक चेन लेते जाएंगे, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, ये दो बार हो गया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, तीन हो गए, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, ये चार हो गए, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, ये पांच बार हो गए।
देखिए, पांच बार बना लिए हमने चेन के अंदर, जैसे इधर बनाए थे। फिर चेन लेकर इस पत्ती के ऊपर भी यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, चेन लेकर नेक्स्ट चेन के अंदर करेंगे, तो ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से चारों ओर यहाँ तक बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाइट कलर का राउंड कंप्लीट हो गया। ये जो हमने शुरू में चार चेन ली थी, एक दो तीन, थर्ड चेन में इसको ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, हमने सेंटर में चेन नहीं ली थी, चेन ले ली और यहाँ पर एक दो तीन, थर्ड चेन में राउंड को ज्वाइन कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सेंटर में पांच डबल क्रोशिया बनाए हैं, एक दो तीन चार पांच। फिर ये पत्ती के ऊपर बनाया है, देखिए एक दो तीन चार पांच, फिर पत्ती के ऊपर, बीच बीच में पांच लिया और एक एक पत्ती के ऊपर बनाया है। तो अगर आपको छः की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो छः बनाइए, छोटी ड्रेस बना रहे हैं तो पांच की पाँच के बजाय चार बनाइए, ये बड़ी बना रहे हैं तो छः बनाइए। इस तरह से ये चेन बीच में जितनी होंगी कम या ज़्यादा, उसके हिसाब से इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम नोट लगाकर इसको कट कर देंगे वाइट कलर को, और अब कलर और डिज़ाइन चेंज करेंगे। फ्रेंड्स, वाइट धागा कट करने के बाद ये जो पत्तियाँ बनाई हैं हमने, इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया लिया है। इन डबल क्रोशिया के ऊपर हम वर्क करेंगे, शुरू करेंगे, धागा शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से धागा अटैच कर लिया, और यहाँ पर एक हम इस तरह से, ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो पांच बीच में डबल क्रोशिया बनाए हैं इनके ऊपर, देखिए अब बीच में हम ना चेन नहीं लेंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया किया, बीच में एक चेन ली और उसी जगह पर दोबारा डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए अब इसके बाद फिर से बीच में कोई चेन नहीं लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, फिर से उसी जगह पर एक डबल क्रोशिया, चेन नहीं लेनी अब हमने, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन, फिर से उसी जगह पर एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से वी शेप बनाएंगे। जब एक डबल क्रोशिया से दूसरे डबल क्रोशिया पे जाएंगे तो तब बीच में चेन नहीं लेनी। देखिए अब बीच में एक चेन लेकर उसी जगह पर दोबारा बनाएंगे, वी शेप बनाएंगे। फिर फिफ्थ वाले पे बनाएंगे, बीच में एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, बीच में पांच डबल क्रोशिया हैं, ये उन सब के ऊपर हमने किया। अब ये जो पत्ती के ऊपर डबल क्रोशिया है, इसमें हमने इस तरह से स्लिप स्टिच करना है, ज्वाइन करना है राउंड को। यहाँ तक ज्वाइन किया, अब नेक्स्ट में फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, डबल क्रोशिया, बीच में चेन लेकर फिर से उसी के ऊपर दोबारा डबल क्रोशिया, वी शेप देंगे। देखिए फिर नेक्स्ट में करेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर उससे आगे बनाएंगे। तो टोटल पांच के ऊपर पांच बार बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। देखिए
तो फ्रेंड्स ये पूरा ग्रीन कलर का राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब ये जो पत्ती के ऊपर डबल क्रोशिया है उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। नेक्स्ट में फिर से वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर और यहाँ पर बनाया है। तो फ्रेंड्स ये पूरा वाइट कलर का राउंड है उसके ऊपर इसी तरह से ग्रीन कलर को का डिज़ाइन पूरा ये देखिए करेंगे। फ्रेंड्स, ग्रीन कलर का राउंड कंप्लीट कर लिया हमने। धागे को नॉट लगाकर कट कर देंगे। अब कलर चेंज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हम येलो कलर शुरू करेंगे। देखिए ये जो पत्तियाँ बनाई हैं इनके ऊपर से किसी के ऊपर भी शुरू कर सकते हैं। देखिए ये जो वाइट डबल क्रोशिया बनाया है उसके ऊपर ग्रीन स्लिप स्टिच बनाया है वहीं पर इसको ज्वाइन करेंगे। ये हमने नॉट लगा ली। देखिए ये जो वी शेप बनाए हैं इसके अंदर बनाएंगे हाफ क्रोशिया, सॉरी सिंगल क्रोशिया। तीन चेन लेंगे और उसी जगह पे उसी वी शेप में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वी शेप में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, तीन चेन लेंगे और उसी वी शेप में दोबारा सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया, तीन चेन, उसी जगह पर दोबारा सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट वी शेप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चेन लेंगे, उसी वी शेप में दोबारा सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वी शेप में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया, तीन चेन, दोबारा उसी जगह पर सिंगल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर ग्रीन कलर का स्लिप स्टिच बनाया था पत्ती के ऊपर वाले डबल क्रोशिया के ऊपर वहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। अब नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया, तीन चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया उसी जगह पर। नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया, तीन चेन, उसी जगह पर दोबारा सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में तीन चेन, सेम प्लेस, दोबारा सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में शिफ्ट करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चेन बनाएंगे और फिर से उसी प्लेस पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में शिफ्ट करेंगे, तीन सिंगल क्रोशिया करेंगे, तीन चेन लेंगे, उसी प्लेस पर दोबारा सिंगल क्रोशिया करके यहाँ पर हमने पांच बार, देखिए पांच बार करना है, 1 2 3 4 5, फिर ज्वाइन किया, स्लिप स्टिच बनाया, 1 2 3 4 5, फिर अब स्लिप स्टिच बनाएंगे। हर एक पांच के बाद हमने स्लिप स्टिच करना है और फिर नेक्स्ट में शिफ्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये जो स्लिप स्टिच है ग्रीन कलर का भी येलो कलर का भी ये पत्ती के ऊपर वाले डबल क्रोशिया के ऊपर आया हुआ है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये हमने राउंड कंप्लीट कर लिया येलो कलर का। यहाँ पर हम जहाँ से शुरू किया था वहीं पर इसको ज्वाइन कर देंगे, नॉट लगाकर धागा कट कर देंगे। इस धागे को पीछे एडजस्ट कर देंगे और एक्स्ट्रा धागे कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये जो येलो कलर का राउंड बनाया हमने ये इस ड्रेस का लास्ट डिज़ाइन था। तो देखिए फ्रेंड्स आप ये देखिए बहुत सुंदर सी फ्लावर के पैटर्न की डिज़ाइन तैयार किया हमने। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।